जम्मू कश्मीर ने ये धोखा किया हमसे कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आपको दिल्ली पुलिस उठाने आई है। इन्होंने मिंदर सिंह खालसा को फोन करके बुलाया कि आपके साथ काम है। इन्होंने सोचा ये अकेले गए, अगर कोई गुंडा बदमाश होता पुलिस के कहने पे थाने जाता कभी? ये रागी हैं, कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं गुरुद्वारों में। इनको फोन किया गया जम्मू पुलिस की तरफ से कि आप आइए, ये कोई गुंडे नहीं है, बदमाश नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, इनको बुलाया गया। ये अपने साथ 100 बंदे लेके जा सकते थे पर ये अकेले गए। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने धोखा ये किया, वहाँ पे दिल्ली पुलिस को बिठा के रखा था। जब ये वहाँ पे गए इनको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया, इन्फॉर्म भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी धोखा किया यहाँ पे यहाँ के लोगों के साथ। इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की उससे भी गलती हुई है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। और रोज सड़कें जाम होगी, एक दिन जाम होगी, अब रोज सड़कें जाम होगी, रोज महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, रोज प्रोटेस्ट करेंगे। मिंदर सिंह खालसा को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा, मनदीप सिंह को भी, तब तक रोज सड़कें जाम होगी। आज अभी जो यहाँ पे हमने जाम किया, कब तक आप जाम कर रहे हैं? रोज कंटिन्यू हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जिन लोगों ने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने को पहुंचे, पर हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी आवाज को दबाए बजाए। हम नहीं चाहते लोग तंग आए। जब पानी नाक से ऊपर होता है ना, फिर लोगों को सड़कों पे आना ही पड़ता है। और महंगाई इतनी हो गई है, देखिए महंगाई से ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी प्लानिंग है। बीजेपी सरकार बंगाल में इलेक्शन हार रही है, ये सारी प्लानिंग है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़वाओ और राज करो, ये प्लानिंग है सरकार की। सरकार आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रही है, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर देखो, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, लोगों का ध्यान महंगा, 100 रुपए लीटर तेल हो गया। जो बंदा 7-8 हजार महीने का कमा रहा है वो 200 रुपए का तेल डालेगा स्कूटर में, वो क्या करेगा? लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है कि दोबारा हमारी सरकार बने। पर इस बार देश की जनता जाग चुकी है, मोदी सरकार के झांसे में आने वाली बिल्कुल नहीं है। मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, इतनी महंगाई हो गई है, जिस बंदे की तनख्वाह 7-8 हजार रुपए वो स्कूटर नहीं चला सकता, वो साइकिल पे आ गया। अच्छे दिन कहाँ गए, ये तो बुरे दिन आ गए हैं। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कहना चाहता हूँ, आप यूनिटी बना के रखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वाहिगुरु जी का खालसा। हम जो है सड़कों पर रहेंगे, इसी तरह के आपको जो है बड़ा दिखता रहेगा, वही दूसरी तरफ की तस्वीर दोनों तरफ से रोड जो है वो जाम हो चुका है। आप देख सकते हैं हैवी व्हीकल्स भी यहाँ पे खड़ी हैं, ट्रक ये तीरथ कौर थी जिनके हस्बैंड खालसा साहब जिसको पुलिस वहां को उठा के ले गई थी। इनका साफ कहना थी इनको ये Thank you.